नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि हमें कंक्रीट प्लांट का वीडियो बनाइए, कंक्रीट प्लांट का। तो ये आज हम आपके लिए कंक्रीट प्लांट का वीडियो लेके आए हैं। ये जो आप कंक्रीट प्लांट देख रहे हैं, ये स्विंग स्टेटर कंपनी का है, M1 1 M³ कैपेसिटी वाला प्लांट है ये। आज इसी प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैसे चलाया जाता है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा प्रोसेस आज हम उसको बता देंगे, कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलता है, कैसे कंक्रीट मिक्स होती है। तो यहाँ पे ये सैंड की गाड़ियाँ आ रही हैं कंक्रीट प्लांट पर। तो यहाँ पर कंक्रीट प्लांट भैया TP13 प्लांट भी हमारे पास, तो ये एग्रीगेट वगैरह हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सैंड एग्रीगेट। ये गाड़ी अभी सैंड लेके आई थी, खाली होकर जा रही है। दोस्तों, इसको प्लांट को चलाने के, जैसे कि आप जानते हैं, इसके लिए जो रॉ मटेरियल रहता है वो, जैसे आप देख रहे हैं, ये सैंड पड़ा है, ये लोडर सैंड लेके इसका जो हॉपर है, हॉपर के अंदर डालेगा। ये जो हॉपर आप देख रहे हैं सामने, 10 mm पड़ा हुआ है, 20 mm पड़ा हुआ है, सीमेंट तो साइलों में है। अब जैसे ये लोडर जो हॉपर है, हॉपर में फिल करेगा, दोस्तों। जैसे ये जो हॉपर है, ये सिंगल हॉपर है इसका, जैसे आपका जो DBM प्लांट रहेगा या बैचिंग प्लांट रहेगा DBM का, हॉट मिक्स का, उसमें अलग अलग साइल बिन रहते हैं, 10 mm 20 mm, इसमें एक ही रहता है। इसमें हमको जैसे यहाँ पे पहले 10 mm, अभी दोस्तों, जैसे ये कंक्रीट जो प्लांट है, इसमें एक ही बिन रहता है, जिसका हॉपर है उसमें एक ही बिन रहता है। जैसे जो डामर का प्लांट रहता है, हॉट मिक्स प्लांट रहता है, उसमें अलग अलग साइज़ के 4 बिन रहते हैं, 10 का अलग, 20 का अलग, वह इसमें एक ही रहता है। पर इसमें क्या रहता है, इसको एक बार जैसे सैंड हमने ले लिया इसके हॉपर में, फिर ये सैंड हम ऊपर स्टॉक कर सकते हैं, उसका जो बड़ा हॉपर है उसके अंदर हम स्टॉक कर सकते हैं। जब ये सैंड पूरी खाली हो जाएगी, फिर हम इसमें 10 mm लेंगे, फिर 10 खाली हो जाएगी तब हम 20 mm लेंगे। इसमें ये फंक्शन रहता है, मैं आपको प्लांट के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्किंग करता है। दोस्तों, हॉपर इसका हम भर रहे हैं लोडर से और इसमें सैंड डाल रहे हैं। और ये चलिए मैं आपको इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ आगे का फंक्शन, इस टाइप का रहता है इसका हॉपर। ये इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये मटेरियल जा रहा है ऊपर। इसमें बस यही प्रॉब्लम है, एक बार हम एक ही मटेरियल डाल सकते हैं। ये मटेरियल जब ये हॉपर का पूरा मटेरियल खाली हो जाएगा, तब इसमें हम दूसरा मटेरियल जैसे 10 mm एग्रीगेट डाल सकते हैं। अभी सैंडी सैंड हम पूरा स्टॉक कर लेंगे ऊपर। तो ये जो हॉपर है, मिनी हॉपर, इसमें वाइब्रेशन भी होता रहता है, इसमें एक मोटर लगी है जो वाइब्रेशन करती रहती है, जिससे मटेरियल इजीली आ जाता है। और ये यहाँ से पट्टे से होते हुए, इस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये जा रहा है सीधे। दूसरा हॉपर है वहाँ पर सुपड़ी लगी हुई, उससे अलग अलग बिन में ले लेगा इसे। दोस्तों, यहाँ पे अभी हम सैंड ले रहे हैं, आप देख ही रहे हैं 4 मीटर बने हुए, जो सामने वाले में 20 mm 10 mm सैंड है, उस वाले में ये जो सुपड़ी है चारों तरफ घूम जा रही है। जो भी मटेरियल लेना है हमें ऑपर में वही डालना है, इसको मूव कर सकते हैं, स्विच यहाँ पे ऊपर दिए, वो सब आपको दिखाता है। ये जो पैनल देख रहे हैं, ये है कन्वेयर का पैनल, ये बेल्ट को चलाने का, ये सुपड़ी को एडजस्ट करने का पैनल है। ये इसका ऑन ऑफ है, ये बेल्ट के हैं दोनों स्विच ऑन ऑफ, ये सुपड़ी को मोड़ने के वाले हैं, ये वाइब्रेटर मोटर, हॉपर की वाइब्रेटर मोटर, ये सुपड़ी को रोकने के लिए। दोस्तों, जैसा ये जो हॉपर है, इसमें सैंड में कभी कभी बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, उसमें जाली लगी है, तो हमको मैन्युअली साफ़ करने पड़ते हैं लेबर से। जैसा कि ये लड़का साफ कर रहा है उसको, बड़े बड़े पत्थर को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, इसमें जब है ना, एक मटेरियल अपना हॉपर जो यहाँ के फुल हो गए, तो फिर ये ऐसा मैन्युअली आप फावड़े से ऊपर हॉपर जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है किनारों पर, उसको साफ़ कर देंगे, फिर इसमें हम अगला मटेरियल डालेंगे, जैसा हम इसमें 10 या 20 जो भी डालेंगे।
दोस्तों, जैसे ये खोपड़ी हम चेंज कर रहे हैं, ये वाला मटेरियल हमारा फुल हो गया, हम 10 mm लेंगे बस। इस टाइप यही फंक्शन है इसका, जो भी आपको मटेरियल डालना है उसमें आपको इसको खोपड़ी का मुंह उसके अंदर कर देना है और उसी टाइप का मटेरियल वहाँ से लोडर से फिल करना है। खाली हो गया, उसमें हम 10 mm ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्लांट की तरफ, वहाँ पे कंक्रीट कैसे मिक्स की जाती है, अब अगला वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्लांट में प्लांट ऑपरेटर के अलावा इसको ये कन्वेयर को ऑपरेट करने के लिए भी एक बंदा यहाँ पे लगता है, उसकी ड्यूटी जैसे वो काका खड़े हैं हमारे, वो कन्वेयर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो सुपड़ी से सामने जो मटेरियल आ रहा है वो आ रहा है इसमें हॉपर में, हॉपर से अब ये जो प्लांट है यहाँ पर जितना भी एग्रीगेट रहेगा वो आपका वेट के अनुसार, जो भी आपका वेट रहेगा, जो भी आप मिक्स निकाल रहे हैं आप M30 M40 25 उसी हिसाब से ये ले लेगा। अब मैं दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी 20 mm ले रहा है, उसका गेट खुलता जाएगा। ये लगभग 1 m³ का बैच बनाता है, M1 प्लांट है, और ये अपना मटेरियल लेने के बाद ये जाता है सीधे ऊपर, वो देखिए। पूरा बैच उधर ऊपर जाएगा, वहाँ पे ये खाली हो जाएगा मिक्सर के अंदर, तो वहीं पे इसमें आपका एडमिक्सचर, सीमेंट, पानी, कंक्रीट तीनों वहीं पे मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद फिर ये आएगा आपके कांजेक्ट मिक्सर में मिक्स हो जाएगा, यही इसका प्रोसेस है। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ, जैसा कि ये सुपड़ी फिर से आया हम लगने के बाद, अब इसमें फिर से ये अभी हम सैंड ले रहे हैं, सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है पूरी, जो भी इसका वेट रहेगा ये उतना लेने के बाद गेट अपने आप बंद हो जाते हैं इसके। 10 mm ले ली इसने, अब लेंगे 20 mm लेंगे, उसके वेट के हिसाब से लेके ही अपने आप ऑटोमेटिक फिर से चला जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद ये अपना सारा मिक्स इसके जिसका मिक्सर है उसके अंदर डाल देंगे, वहीं पे इसका एडमिक्सचर, सीमेंट, पानी और ये जो मटेरियल लिया एग्रीगेट वगैरह, एग्रीगेट सैंड, उसको सब वहीं पे मिक्स होने, वहाँ मिक्स होने के बाद फिर इसके अंदर आएंगे ये ट्रांजिस्टर मिक्सर में, नीचे जो लगा हुआ है हमारा TM इसके अंदर जाएगा, यही प्रोसेस है इस प्लांट का। ये जो आप बैरल देख रहे हैं इनमें एडमिक्सचर है, इसके थ्रू मोटर के थ्रू ये सीधा ऊपर चला जाता है। दोस्तों ये अभी हम आए इस प्लांट के ऊपर, ये है इसका मिक्सर, यहीं पर सीमेंट वगैरह सब कुछ मिक्स होती है इसी के अंदर, ये मटेरियल यहाँ पर आ जाता है ऊपर, ऊपर से ये जो आप छोटा सा बीन देख रहे हैं सीमेंट है, और पानी का भी यहीं पे टैंक है ऊपर वो, और ये इसका मिक्सर यहीं पे मिक्स होता है पूरा। मिक्स होने के बाद ये सीधे नीचे लगा है TM, ये इधर लगा है हमारा TM इसके नीचे प्लांट के लिए, और ये आप देखना यहाँ पे मटेरियल गिरेगा अभी, मिक्स होने के बाद सीधे TM में चला जाता है। ये 1 m³ का बैच बनाता है, तो 6 m³ के 6 बैच चलते हैं, लगभग 6 मिनट में, 6 से 7 मिनट में गाड़ी लोड हो जाती है। जैसे अभी 6 बैच गिर गए, सायरन बज गया, गाड़ी फुल लोड हो गई है, अभी निकल जाएगी सीधी साइड के लिए। तो यहाँ पे हो गई हमारी गाड़ी फुल, और वो टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा मटेरियल निकाल रहा है, उसका स्लम टेस्ट होके, हर गाड़ी का यहाँ पर स्लम टेस्ट होके जाता है। गाड़ी फुल होने के बाद सीधे निकल जाती साइड पे, उसको बिना रुके सीधे साइड पे जाएगी ये, ज़्यादा देर कंक्रीट को आप रख नहीं सकते इसके अंदर। ये ट्रांजिस्टर मिक्सर का जो ये हांडी है ये घूमती जरूर रहेगी। ये आया हमारा दूसरा मिलर, कर्व की कंक्रीट चालू है, कर्व का मिक्स निकल रहा है अभी। यह हमारा भीमराव दस्ताज का मेरा मिलर है,
जो ऊपर आप जो होपर देख रहे हैं उसके अंदर अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों ये है हमारा डीजी स्टैंड को चलाने के लिए, ये 325 केवीए का है, किर्लोस्कर ग्रीन का। दोस्तों ये है इस प्लांट के लिए वाटर टैंक, यहाँ पे हमारा टैंकर खाली हो रहा है साथ साथ में। दोस्तों ये है इस प्लांट के साइलो हैं, ये 3 साइलो आप देख रहे हैं, इसमें सीमेंट स्टोर होती है। अब एक वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा कि सीमेंट खाली कैसे होती है इन साइलों में, इतनी ऊपर ट्रांसफ़र कैसे करी जाती। अभी जैसे हम अभी जो हमारा प्लांट रनिंग है इसमें ये वाला साइलो है तो राइट हैंड साइड वाला, इसमें से आ रही है सीमेंट। अब सीमेंट प्लांट में कैसे जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मोटर लगी रहती है दोस्तों, ये मोटर में स्क्रू कन्वेयर होता है, पूरा घूमता रहता है, इससे सीमेंट जाती है सीधे प्लांट में। वहाँ ऊपर वो स्टोर, वो जो बिन है, बिन में स्टोर होती है, उसी हिसाब से फिर वो जितना बैच जोन सा ग्रेड है कॉन्क्रीट का, उसी हिसाब से वो सीमेंट प्लांट अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। ये सीमेंट प्रोसेस, सीमेंट मिक्सिंग का प्रोसेस है ये। दोस्तों अभी हम आए अपने केबिन में, ये इसका पैनल और ये इसके ऑपरेटर राजेश। अब आपको दिखाता हूँ इसको कैसे चलाते हैं। दोस्तों ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो भी आपको ग्रेड निकालना हो ग्रेड सेलेक्ट करिए, कितने MQ मटेरियल निकालना हो उतना मटेरियल सेलेक्ट करिए और ये फुल्ली ऑटोमेटिक अपने तरीके से निकाल देगा। दोस्तों ये हमारे कंक्रीट प्लांट का जो स्टाफ है, ये प्लांट इन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ये काका है हमारे, बाकी लोग ये मेंबर हैं और भी स्टाफ है पूरे, और एक काका वो ऊपर खड़े हैं, वो कन्वेयर ऑपरेट करते हैं, और ये हमारे प्लांट का ऑपरेटर राजेश है। दोस्तों ये जो प्लांट है वो स्विंग स्टेटर का M1 है, 1 MQ कैपेसिटी वाला प्लांट है ये। ये जो एक बार में जो बैच एक बनाता है वो 1 MQ का बनाता है, ऐसा आपका जो मिलर है 6 MQ का, तो 6 बैच में एक मिलर फुल कर देता है। और जैसा आप जानते हैं स्विंग स्टेटर का नाम काफ़ी पुराना है कंक्रीट के मामले में, सबसे प्लांट कंक्रीट प्लांट के मामले में, कंक्रीट का जो बूम प्लेसर हुआ, आपका ट्रांजिस्ट मिक्सर हुआ, इसमें स्विंग स्टेटर का अच्छा नाम चलता है, अधिकतर कंपनियां यही यूज़ करती हैं। हमारे पास दोस्तों एक और प्लांट है 2.51 2.5 MQ कैपेसिटी वाला, वो अभी यहाँ पर लगा हुआ था, अभी वहाँ यहाँ से शिफ्ट हो गया है दूसरी साइड कोल्हापुर वाली साइड पे चला गया। एक प्लांट और है CP18 छोटे काम के लिए, वो भी प्लांट है हमारा, और एक ये CP13 प्लांट भी है, इसका वीडियो अभी मैं बनाऊंगा, जब ये चलेगा तब मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।